अलका राय मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया हो, लेकिन इसे लेकर अलका राय बार बार प्रियंका गांधी को खत लिख रही है, जिसे लेकर मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। अलका राय के केस में सुप्रीम कोर्ट में हुए ट्रायल के बाद मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था। वहीं अलका राय की ओर से बार बार प्रियंका गांधी को खत लिखे जाने पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब अलका राय की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किए जाने के बाद भी मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था, तो अलका राय कैसे उनको आरोपी कह सकती है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी का कहना है कि जब मुख्तार अलका राय के मामले में दोषी नहीं है, तो किस साजिश के तहत वो खत लिख रही है। अफजल अंसारी ने सवाल करते हुए कहा कि जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, तो अलका राय कैसे आरोपी कह सकती है, क्या वो न्यायालय से बड़ी है। अफजल अंसारी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रही है, इससे साफ होता है कि वो मुख्तार का सफाया चाहती है, जबकि ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह जैसे अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। ब्रजेश सिंह मेडिकल के नाम पर BHU के AC रूम में भर्ती रहते हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने मंत्रियों व अपने लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का काम कर रही है, जबकि मुख्तार पर मुकदमे लादने का काम कर रही है। हाईकोर्ट ने 5 बार रासुका को खत्म किया, कई बार गैंगस्टर को खत्म किया, लेकिन हर बार उसे जेल में होने के बावजूद सभी आरोपों में शामिल कर दिया जाता है और न्यायालय में वो बरी हो जाता है। अफजल अंसारी के अनुसार मुख्तार को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव में हरा भी नहीं पा रहे हैं। वो जेल में है फिर भी जनता के बीच लोकप्रिय है। जब तक खुदा ने जीवन लिखा है तब तक सांस चलेगी, उसके पहले कोई कुछ नहीं कर सकता।